हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो आप लोगों ने मेरे देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ मर्ज कर सकते हो। सो गाइस, मैं आप लोगों से बताया था कि आज के इस वीडियो में आप लोगों से बताने वाला था कि कैसे आप लोग अपने खुद की वेबसाइट को बना सकते हो 10 मिनट में, और सब कुछ मैंने आप लोगों से लाइव करने का वादा किया था। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सबसे पहले तो डोमेन बुक कर सकते हो, फिर होस्टिंग कैसे बुक कर सकते हो, फिर दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हो नेम सर्वर के थ्रू, और साथ ही साथ आप लोग खुद की वर्डप्रेस के थ्रू कैसे अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। सब कुछ 10 मिनट के अंदर आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहो। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रह जाते हो तो आज आप लोग अपने खुद की वेबसाइट को बना पाओगे 10 मिनट के अंदर। और सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चले गए जब कंप्यूटर स्क्रीन में जाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने खुद के डोमेन बुक करेंगे, होस्टिंग बुक करेंगे, वर्डप्रेस के थ्रू कैसे वेबसाइट बनाएंगे, सब कुछ 10 मिनट के अंदर लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चले गए, शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को ऑन करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हम लोग अपने फ्री डोमेन को बुक कर लेते हो। तो आप लोग देख सकते हो फ्री नोम नाम की ये वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग सिंपली बुक कर सकते हो। तो हम लोग कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे टेक्निकल मोहित नाम से मुझे बुक करनी है तो ये मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तब चेक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारी आप लोग डोमेन यहाँ से बुक कर सकते हो। सिंपली मैं इसको .tk में बुक करना चाहता हूँ, इसको हम लोग गेट इट नाउ कर देते हैं। गेट इट नाउ करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, नीचे आने के बाद सिंपली अब हम लोग इसको चेकआउट कर देंगे। आप लोग देख सकते हो और भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे दी आप लोग ले सकते हो। सिंपली अब इसको चेकआउट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, चेकआउट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते होगा जिस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सिंपली अब हम लोग इसको एक साल के लिए चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको 12 महीने के लिए फ्री कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली इसको चूज करने के बाद सिंपली अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद गाइस सिंपली अब हम लोग इसको कंटिन्यू यहाँ से कर दो। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सिंपली अब हम लोगों का बुक हो चुका है। तो अब गाइस, आप लोग चाहो तो अब यहाँ पे हम लोगों को अपने ईमेल को वेरीफाई करना होगा। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को डाल लेते हैं। डाल लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई जैसे आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के नाम से डोमेन फ्री में बुक हो जाएगा। अब लोगों के यहाँ से इसको ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को गाइस आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेरिफिकेशन लिंक 24 घंटे के लिए वैलिड है। अब आप लोगों को अपने ईमेल आईडी में जाके इसको कंफर्म करना होगा। साथ ही साथ जैसे ही आप लोग इसको कंफर्म कर लेते हो आप लोगों का डोमेन आप लोगों के नाम से बिल्कुल बुक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब हम लोग सिंपली अब यहाँ पे अपने ईमेल आईडी पे जाते हैं और इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। तो अब सिंपली अब यहाँ से हम लोग अपनी ईमेल आईडी में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ईमेल आईडी में कंफर्म करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे अपना डिटेल सबको सबमिट करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर में जाके सिंपली आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। तो सिंपली अब मैं इसको मैं अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कुछ भर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो अब मैं इसको सिंपली कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ये ऑर्डर नंबर आ गया। अब हम लोगों को अब सिंपली अब होस्टिंग लेनी होगी। तो आप लोग देख सकते हो FPPH होस्ट नाम से हम लोग यहाँ पे होस्टिंग को बुक करेंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से जाके सिंपली इसको ओपन करके आ जाना। आप लोग देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मिल जाती है, जो भी आप लोगों को यूज करना वो आप लोग कर लो। तो अब सिंपली अब हम लोग नीचे आते हैं फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग थोड़ी सी और नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस फ्री होस्टिंग लिखी हुई है एक साल के लिए। अब यहाँ से फ्री होस्टिंग आप लोग ले सकते हो। सिंपली इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को बताता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को 500 MB तक फ्री आप लोगों को स्टोरेज मिल जाएगी एक वेबसाइट के अंदर। इतनी स्पेस आप लोगों को मिलेगी। ईमेल अकाउंट्स आप लोग अनलिमिटेड बना सकते हो। आप लोगों को बैंडविड्थ भी मिल जाएगी। जो भी सारी चीजें आप लोगों को होस्टिंग के अंदर मिलती वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। हम लोग इसको गेट इट नाउ कर लेते हैं फ्रेंड्स। गेट इट नाउ करने के बाद जैसे ही ओपन होता है उसके आगे आप लोगों को बताता हूँ। अब गाइस, आप लोगों ने जो भी डोमेन को पहले से बुक किया है वो आप लोगों को यहाँ पे चेक करना होगा। तो हम लोग अपने खुद के डोमेन को यहाँ पे बुक करना यूज करना चाहते हैं तो हम लोग अपनी खुद की डोमेन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, टेक्निकल मोहित .tk। अब यहाँ डॉट का यूज नहीं करना होगा, आप लोग डॉट या इंटरनल ले लेगा। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली .tk लिख देते हैं। अब इसको यूज करके देखते हैं। तो सिंपली अब इसको यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ से चेक इट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक इट का चेकआउट का ऑप्शन आ चुका है। अब हम लोग इसको सिंपली यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के बाद अब मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को अपना ऑर्डर डिटेल्स आप यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने ऑर्डर को मैं कंप्लीट करने के लिए अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो ये सिंपली कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरा ऑर्डर नंबर आ गया। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे इसके वेरिफिकेशन के लिए जो मैसेज आएगा, उसके बाद आप लोगों को इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सिंपली अब इसको हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अब हम लोगों को इसको कैसे डोमेन को इसमें ऐड करना है होस्टिंग के साथ। अब हम लोग यहाँ पे माई डोमेन में जाते हैं, माई डेगा। सो फ्रेंड्स सिंपली अब हम लोग यहाँ पे मैनेज डोमेन में जाएंगे। वो मैनेज डोमेन में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से मिलेगा। अब हम लोगों को यहाँ पे अपने मैनेजमेंट टूल में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेम सर्वर का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ हम नेम सर्वर का यूज करेंगे। अभी आप लोगों को मेल में जो होस्टिंग आप लोग जिस भी वेबसाइट से लिए होगा वहाँ से ऐसा मैसेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को नेम सर्वर देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स नेम सर्वर यहाँ पे आ गया जो मैसेज के थ्रू। अब हम लोग इसको सिंपली वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब वहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, सेम ही सेम आप लोगों को दूसरा भी यहाँ पे पेस्ट कर देना जो नेम सर्वर 2 था, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब सिंपली अब यहाँ से इसको हम लोग कन्फर्म कर देते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको कन्फर्म करोगे गाइस तो आप लोगों की जो भी डोमेन वो होस्टिंग के साथ जुड़ जाएगी। इसके पहले भी मैंने ये वीडियो में बता चुका, तो आप लोग वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हो। सिंपली आप लोग देख सकते हो फ्रेंड सिंपली अब ये मेरा डोमेन और होस्टिंग साथ में कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोगों को इसका सी पैनल देखना है, तो आप लोग यहाँ पे जाकर सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो जैसे ही ओपन हो जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड डालना जो कि आप लोगों को कंपनी की तरफ से आएगी जब आप लोग होस्टिंग बुक करोगे। तो सिंपली अब ये ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हो इस तरीके के इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा सी पैनल आप लोगों को इस तरीके से देखने। अब हम लोगों को यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो अब हम लोग इसके सबसे नीचे पे जाते हैं। नीचे पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ दिखा सकता हूँ वर्डप्रेस मैनेजर दिख रहा है। अब हम लोग इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे ही ओपन हो जाता है मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स मैनेज करने के बाद कैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिंपली अब हम लोगों को यहाँ पे शो एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर URL दिख रहा है। अब हम लोग सिंपली इसका यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे इसको ओपन कर देता हूँ उसके आगे बाद आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंपली अब हम लोगों को यहाँ से एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही ये क्लिक करते हो आप लोग अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आ जाओगे। अब जो वर्डप्रेस की यहाँ पे आप लोगों को ईमेल दिया होगा वो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंपली अब इसको जैसे ही यूज कर लेते हो फ्रेंड्स, तो यूज करने के बाद आप लोगों का सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। पूरा सी पैनल आप लोगों का यहाँ पे आ गया, एडमिन पैनल इस तरीके से आप लोगों का काम करता है। अब आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, अपने कस्टम योर साइट में जाना है। अब हम लोग यहाँ से इसको कस्टोमाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही ये तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये वेबसाइट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ भी थीम को डालेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थीम सिलेक्ट करते हैं। अब हम लोग कोई सी भी थीम आप लोग चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। और सिंपली अभी हम लोगों को यहीं से एक कुछ भी चूज करना है तो आप लोग यहीं से भी चूज कर लेंगे। और अगर आप लोग अपलोड करना चाहते हो तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो अपलोड थीम में। और सिंपली अभी हम लोग यहीं से कोई सी भी एक ले लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स इस टाइप के आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मिल जाती है, जो भी आप लोगों को पसंद है वो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्रेंड। तो सिंपली अभी हम लोग देख लेते हैं कोई सी भी एक जो पसंद आ रही वो हम लोग यूज कर लेंगे। तो सिंपली ये अच्छी लग रही तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है इसके बाद इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं। हो चुका है, अब इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ये एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं जो हम लोगों की डोमेन थी। आप लोग देख सकते हो टेक्निकल मोहित .tk नाम से हम लोगों की जो वेबसाइट थी। अब हम लोग यहाँ पे जाके इसको सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे आप लोग देख सकते हो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे इंप्लीमेंट की थी वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली अब इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे ही ओपन हो जाता है, लोड हो रहा है। जैसे ही लोड हो जाता है उसके बाद आगे मैं आप लोगों को तो देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके की वेबसाइट हमारी आप लोगों के सामने बनके तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग भी अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से 10 मिनट में बना सकते हो। मेरे जो भी स्टेप्स आप लोग फॉलो करते जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट में मैसेज करके बोल सकते हो, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। सो गाइस अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार आए हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके लिए गाइस आप लोगों को कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। आप लोग नीचे देख सकते हो फ्रेंड्स लाल कलर का बटन दिख रहा है, वो सिंपली आप लोगों को दबाना होगा। साथ ही साथ आप लोग बगल में देख सकते हो फ्रेंड्स एक बेल आइकन दिख रहा है, वो आप लोगों को दबाना होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स इसी तरीके की वीडियोस में हमेशा टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, कुछ नई बातें आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर आप लोग हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन को ऑन कर लेते हो, जो भी मैं नई वीडियोस डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक चली जाएगी और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि अभी हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जिसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं आप लोगों को 16GB की पेन ड्राइव देने वाला हूँ। जिसकी भी कमेंट सबसे अच्छी होगी उसको मैं 16GB की पेन ड्राइव दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को पता है जब मैं IPL की वीडियोस लेके आया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग खुद की IPL की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो घर बैठे, उसमें भी मैंने आप लोगों के लिए गिव अवे ऑफर रखा था, जिसमें मैंने बताया था जिसकी भी सबसे अच्छी कमेंट होगी उस वीडियो में उसको मैं एक IPL की फ्री टिकट देने वाला हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हो हमारे चैनल के साथ परमानेंट बने रहना, और अगर आप लोग चाहते हो 16GB की पेन ड्राइव आपको मिले, तो फटाफट कमेंट करें, लाइक करें। सो नमस्कार गाइस।